आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। इनसो इस बार जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। हमारे साथ दिग्विजय चौटाला जी हैं। दिग्विजय जी, कितनी तैयारी है इस बार इनसो की? पूरी तैयारी है और चारों सीटों पर इनसो इस बार जीतने जा रही है। पंजाब विश्वविद्यालय में जो कमाल किया, उस कमाल को दिल्ली में दोहराना है, ना केवल दोहराना है बल्कि इतिहास रचाना है। यहाँ के विश्वविद्यालय के पटल पर इनसो का ध्वजा, उसका झंडा फहराएगा। चुनौती किसको मानते हैं? एबीपीपी, क्योंकि इस बार चुनाव में है, एनएसयूआई है, आप भी इस बार है, आईसा है, कौन सी चुनौती मानते हैं? चुनौती दो बड़ी पार्टियां हैं जो यहाँ के लोगों को, स्टूडेंट्स को गुमराह करती आई, जिन्होंने कोई काम नहीं किया। चुनाव में चेहरे बन जाते हैं, फिर नेता बन जाते हैं, उसके बाद नजर नहीं आते। इस बार लोगों ने कहा, स्टूडेंट्स ने कहा, जब मैंने चर्चा की, सब ने एक राय बनाई है कि वैकल्पिक तौर पर ऑल्टरनेटिव हम खड़ा करेंगे। इन लोगों को भी समझ आए कि तीसरा भी कोई जीत सकता है। अच्छा, नू हिंसा मामले की अगर बात करें तो मामन खान जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, कैसे देखें? जो भी गलत करेगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा, चाहे मोनू मानेसर हो या चाहे मामन खान हो, किसने अधिकार दिया था ये तो एक दिन में अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे थे, अब पता चल जाएगा। जब गलत करोगे तो उसका तो गलत ही होगा। लेकिन सर, बात अगर हरियाणा राजनीति करें, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, बीजेपी कह रही है 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जेजेपी भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, आखिर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेगी? भविष्य के गर्भ में है, थोड़ा इंतजार करें। सब अपना दमखम, वो कहते हैं कि कुश्ती से पहले सब कसरत करने में लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, ये तो भविष्य में दोनों पार्टियों में तय होगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और देवीलाल की जयंती है, उसमें इंडिया के जो नेता हैं उनको भी नोटा भेजा गया। ताऊ देवीलाल जी की जयंती, चोई देवीलाल जी की जयंती सारा देश मनाता है, हर व्यक्ति मनाता है। चौधरी देवीलाल किसी एक राजनीतिक दल के हो ही नहीं सकते, वो तो सबके हैं, वो तो एक राजनीतिक यूनिवर्सिटी का नाम है जिसमें पता नहीं कौन कौन जो है ना, जिसकी वो नैया पार कर गई। चोई देवीलाल जी का जन्मदिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग मनाएंगे, कोई कहीं मनाएगा, हम भी सीकर मना रहे हैं। अच्छी बात है, मनाना चाहिए और उत्साह से मनाना चाहिए। लेकिन INLD ने जो इंडिया के नेता हैं उनको न्योता भेजा है, क्या लगता है कि INLD इंडिया में शामिल हो सकती है? कैसे तो इतना फर्क जो है हरियाणा की राजनीति में पड़ने वाला है? मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे, तो वो तय करेंगे। बाकी हुड्डा जी ने तो उनको धुतकार दिया, हुड्डा जी ने तो कह दिया मैं तो बिल्कुल लूंगा नहीं इनको, इनके 6,000 वोट आए थे और उसके दूसरी के आम आदमी के 3,000 आए थे, तो इनकी कोई हैसियत ही नहीं। मगर कुछ लोगों की आदत हो गई है कि बार बार गेट से बाहर निकाले जाने के बाद भी वो उसी गेट में घुसना चाह रहे हैं, अब पता नहीं वो जाएंगे नहीं जाएंगे, तो भविष्य के गर्भ में। तो बिल्कुल, ये थे दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।